तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक दोस्तों कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आपके मोबाइल में जो है पावर बटन है, इसमें क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल है जो है पावर ऑफ नहीं हो रहा है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का जो है ओपन होकर आ जाता है, गूगल वॉइस असिस्टेंट ओपन होकर आ रहा है। लेकिन आप जो है इसको जो है बंद करना चाह रहे हैं इसको जो है, तो आप इसको बंद नहीं कर पा रहे पावर बटन से। आप यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद ही इसको बंद कर पा रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। पावर बटन अगर आपका काम नहीं कर रहा है, आप बंद नहीं कर पा रहे हैं स्क्रीन को, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज अगर आप जो है पावर बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका जो है वॉइस असिस्टेंट ओपन होकर आ रहा है, मतलब जो है यहाँ पर ये जो है वर्क नहीं कर रहा है। आप जो है पावर ऑफ करना चाह रहे हैं लेकिन पावर ऑफ नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो जाना है आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में। एंड जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है पावर बटन और इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पावर बटन का जो ऑप्शन देखने को मिलता है उसको देख लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपके पावर बटन पे क्लिक करने के बाद वॉइस असिस्टेंट पे कुछ इस तरह का हो तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को 100% मिलेगी। तो पावर मेन्यू पर इसको क्लिक कर देना है। पहले से अगर पावर मेन्यू पे क्लिक है तो एक बार इसको पावर असिस्टेंट पे कर दें, वॉइस असिस्टेंट पे एंड अगेन पावर मेन्यू पे कर दें। इसके बाद करने के बाद आपको पहले चेक कर लेना है कि तो भाई अब मेरी ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। दूसरी बात, अगर आपको फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो फिर आपको करना है यहाँ से देख लेंगे एंड क्या करना है, यहाँ पर जाना है आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, रीसेट ऑल सेटिंग में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो सेटिंग से रिलेटेड तो यहाँ से उसको रीसेट कर लेंगे। एंड जैसे रीसेट कर लेंगे, रीसेट करने के बाद आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड फिर आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करके या तो रिस्टार्ट या पावर ऑफ करके ऑन कर लें, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।